चांद पर बिल्डिंग बनाने का सपना होगा साकार। इसरो और आईआईएससी ने मिलकर बनाई स्पेशल ईंट। दोस्तों, स्पेसएक्स के एलन मस्क और वर्जिन गैलेक्टिक्स के रिचर्ड ब्रेंसन दोनों ही आने वाले समय में चांद पर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। अब चांद पर कॉलोनी बनानी है तो इसे बनाने के लिए हजारों टन कंक्रीट और ईंटों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन ईंटों को धरती से चांद तक ले जाना बहुत ही खर्चीला साबित होगा और चांद पर ईंट बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। और ये तो सभी को पता है कि चांद पर पानी नहीं है, और अगर कहीं है तो उसकी खोज की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इसरो और बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इस समस्या का हल खोज लिया है। जी हाँ दोस्तों, चांद पर बिल्डिंग तैयार करने के लिए खास किस्म की ईंट तैयार की गई है। इस स्पेशल ईंट को कुछ खास चीजों से मिलाकर बनाया गया है। ये है चांद की सतह से ली गई मिट्टी, बैक्टीरिया और गुआर बीन्स। आईआईएससी और इसरो की टीम की तरफ से विकसित किए गए इस प्रोसेस में यूरिया का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसे चंद्रमा पर इंसानों की यूरिन से लिया जाएगा। आईआईएससी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर आलोक कुमार कहते हैं कि ये वास्तव में रोमांचक चीज है, क्योंकि दो अलग अलग क्षेत्रों, जीव विज्ञान और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक साथ लाया गया है। इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बैक्टीरिया के साथ चांद की सतह की मिट्टी को मिलाया और इसके बाद इसमें यूरिया और गुआर बीन्स डाले गए। इसके बाद इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके इस मटीरियल को किसी भी रूप में गढ़ा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में वो और भी बड़ी ईंट बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे खास बात यह है कि चांद पर इस यूरिया को इंसानी यूरिन से निकाला जाएगा ताकि ईंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सके। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने में है कई चुनौतियां। पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक चांद पर बसाहट करने की संभावनाओं को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नासा चांद के बाद अब मंगल ग्रह पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी कोशिश है कि मंगल पर एस्ट्रोनॉट्स चांद से होते हुए जाएं। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के मुताबिक स्पेन में म्यूसिरिया के कार्टाजेना पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं सहित वैज्ञानिक इस चुनौती पर शोध कर रहे हैं कि चांद पर कॉलोनी बसाने में बहुत सी चुनौतियां सामने आएंगी, जिनमें हाई रेडिएशन, उच्च तापमान, शुद्ध ग्रहों का बार बार टकराना है। इनमें से एक निर्माण सामग्री उपलब्ध कराना भी बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही कॉलोनी बसाने के लिए धरती से सामान ले जाना भी बहुत महंगा साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी से 0.45 किलोग्राम का ही सामान चांद पर भेजने में $10,000 का खर्च आएगा। इस तरह से निर्माण की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि चांद पर निर्माण के लिए कच्चा माल चांद से ही उपयोग में लाया जा सके, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट्स की यूरिन का भी उपयोग किया जा सके, जिसका तोड़ फिलहाल इसरो ने खोज लिया है। इन ईंट की मदद से चांद पर कॉलोनी बन सकती है। इसके लिए धरती से ईंट ले जाने की भी समस्या नहीं रह जाएगी। हालांकि अभी एक और समस्या बनी हुई है कि ईंट को जोड़ने के लिए कंक्रीट या फिर सीमेंट कहां से आएगा, तो इसका हल पहले ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने खोज निकाला था, वो भी इंसानी यूरिन से। यूरिन से चांद पर बनाई जा सकेगी कंक्रीट। दोस्तों, इसी साल मार्च में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने दावा किया था कि इंसानों की यूरिन से कंक्रीट बनाया जा सकेगा। अब वैज्ञानिक भविष्य में इसके इस्तेमाल की उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि इस कंक्रीट का इस्तेमाल बाद में चांद पर भी किया जा सकेगा। स्पेस एजेंसी ने बताया कि चंद्रमा पर कंक्रीट बनाने में इंसानों का पेशाब एक दिन उपयोगी तत्व साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन में पाया था कि पेशाब में पाए जाने वाले प्रमुख पार्ट यूरिया से कंक्रीट का मिश्रण बनाया जा सकता है। इसके बाद इसे अंतिम रूप से मजबूत कंक्रीट में तब्दील किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चांद पर घर बनाने के सपने को पंख लग सकते हैं। दरअसल कंक्रीट बनाने के लिए जरूरी मिट्टी चांद पर उपलब्ध है। यूरिया हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ सकती है और फ्लूइड मिश्रण के चिपचिपेपन को कम किया जा सकता है। इससे कंक्रीट बनाने में पानी की जरूरत कम हो जाती है। एजेंसी के बयान के मुताबिक यूरिन के रूप में 1.5 लीटर वेस्ट से ये काम आसानी से हो जाएगा। एजेंसी के मुताबिक इसके लिए चांद पर उपलब्ध कंक्रीट का इस्तेमाल करने से धरती से आपूर्ति भेजने की जरूरत कम होगी। धरती पर यूरिया को औद्योगिक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चांद पर पाई जाने वाली मिट्टी के जैसे ही मिट्टी विकसित की
और यूरिया के साथ 3D प्रिंटर की मदद से इस मिट्टी का सिलेंडर बनाकर उस पर कई प्रयोग किए गए। इनसे बने उत्पाद को उन्होंने 80 डिग्री की भीषण गर्मी और बहुत ही ठंडे वातावरण में भी जांचा, क्योंकि चांद पर तापमान में बहुत ज्यादा अंतर भी हो जाता है। हालांकि अब भी ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि कंक्रीट और ईंट बनाने के लिए इतनी ज्यादा मात्रा में यूरिन कहां से आएगा। साथ ही वैज्ञानिकों ने अभी इस पर काम नहीं किया है कि एस्ट्रोनॉट्स की यूरिन निकाली कैसे जाएगी, क्योंकि वो पहले ये देख रहे हैं कि ऐसा करना कितना ज़रूरी होगा, क्योंकि जियो पॉलीमर कंक्रीट के लिए और भी प्रयोग हो रहे हैं जिसमें दूसरे पदार्थों की भी जांच होनी है। फिलहाल चांद के लिए सबसे अच्छी निर्माण सामग्री की खोज पर लगातार काम चल रहा है।